नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म की 29वें दिन की कथा, अध्याय 29 में देवदूतों के ज्ञानोपदेश से कदर्य का हरिलोक गमन और उसके दैनिक कर्म। कदर्य ब्राह्मण को आश्चर्यचकित और भौचक्का देख भगवान हरि के पार्षद पुण्यशील और सुशील बोले, हे कदर्य, गोलोक को चलिए, देर क्यों कर रहे हैं? तुमने विशेष रूप से भगवान पुरुषोत्तम का सामीप्य पाया है। कदर्य बोला, अभी मुझे बहुत से कर्मों के फल भोगने हैं, लेकिन किस प्रायश्चित से यह गोलोक मिला, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। पृथ्वी पर जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण और रजकण हैं, तथा जितने आकाश में तारे हैं, उतने ही मैंने पाप किए हैं। मैंने यह सुंदर शरीर कैसे पा लिया? हरि के प्रिय पार्षदों, इसका मुझे कारण बताओ। श्री नारायण बोले, कदर्य की ऐसी वाणी सुनकर हरि के दूत बोले, आहा हे देव, क्या तुमने यह पद पाने का महान साधन नहीं जाना? हे प्रभु, पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव आपने नहीं जाना? यह पुरुषोत्तम मास विष्णु का प्रिय और महापवित्र है, इसमें तुमने देव दुर्लभ तप किया है। हे महाराज, वन में बानर शरीर में अनजाने और मुख रोग के कारण न खाने से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया था। तुमने बानरपन की चंचलता से वृक्ष से फल तोड़ तोड़ कर पृथ्वी पर फेंक दिए, जिससे अन्य लोगों की तृप्ति हुई और दुख के कारण पानी भी नहीं तुम पी सके, जिससे तुम्हारा अज्ञानतावश पुरुषोत्तम मास में बड़ा भारी तप हो गया। हे अनग, तुम्हारे द्वारा फलों को गिराए जाने से परोपकार हो गया। वन में विचरते महाभयंकर शीत, वायु, धूप तुमने सहन की और इस रमणीक श्रेष्ठ तीर्थ में 5 गोते लगाए, जिससे तुम्हें पुरुषोत्तम मास के स्नान का फल मिला। इस प्रकार तुम्हारे रोग वश होने से अनजाने में ही उत्तम तप हो गया, सो वह सब सफल हो गया। अब तुमने अनुभव भी कर लिया है, जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक उसके उत्तम महात्म को जानकर विधि सहित कर्म करते हैं, उनका तो कहना ही क्या। आपने जैसा साधन किया, वैसा करने में अन्य कोई समर्थ नहीं है। इस मास में एक उपवास करने से ही मनुष्य पाप समूह से छूट जाता है। इस मास के समान पुरुषोत्तम की प्रीति देने वाला अन्य और कोई मास नहीं है। इस पुरुषोत्तम का जो व्रत करते हैं, वे धन्य हैं। इस भारत खंड में मनुष्य जन्म पाकर जो पुरुषोत्तम का सेवन करते हैं, सदा महाभाग्यशाली हैं और उन्हीं का जन्म सफल है, जिनका पुरुषोत्तम मास स्नान, दान और जप आदि में बीता हो। पुरुषोत्तम मास में दान, पितृकार्य अर्थात श्राद्ध और अनेक प्रकार के तप करने से यह सब अन्य मासों की अपेक्षा करोड़ों गुना फलदायक होते हैं। जो पुरुषोत्तम मास में स्नान दान नहीं करता, उस नास्तिक, पापी, मूर्ख, पाखंडी, दुष्ट, अधर्मी तथा आलोचक को धिक्कार है। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील द्वारा कदर्य ब्राह्मण अपने पूर्व वृतांत को सुनकर पुलकित हो आश्चर्य में पड़ गया। प्रथम तीर्थ के देवताओं और कलिंचर पर्वत को, फिर वन के देवों को, छोटे छोटे पेड़ों और सब लताओं और वृक्षों को उसने नमस्कार किया। तत्पश्चात नम्रता पूर्वक विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान श्याम वर्ण का हो सुंदर पीतांबर धारण कर विमान पर सवार हो गया। जिस लोक में न बुढ़ापा आता है, न मृत्यु होती है और न ही कोई शोक होता है, ऐसे लोक को कदर्य यानी चित्र शर्मा ब्राह्मण पुरुषोत्तम मास के सेवन से वानर शरीर को त्याग कर गया, जहां 2 भुजाधारी मुरलीधर पुरुषोत्तम के दर्शन करके आनंदित हो गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्यमय दृश्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। नारद जी बोले, हे तपोधन, गृहस्थ को अपना जीवन यापन किस तरह करना चाहिए?
उसे दिन के नित्य कर्म किस तरह करने चाहिए। आपने 20वें अध्याय में प्रातःकाल के कर्म बताए, अब दिन के पिछले भाग में क्या कर्म करने चाहिए? हे नाथ, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझे बताइए, क्योंकि आप जैसे महात्मा सबके उपकार के लिए सदा विचरते रहते हैं। श्री नारायण बोले, प्रातःकाल का कर्म विधि पूर्वक समाप्त करके फिर मध्यान्ह काल की संध्या करके तिल से तर्पण करें। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, सर्प, यक्ष, दैत्य, प्रेत, पिशाच और नाग, यह सब जो अन्न की इच्छा रखते हैं, वे सब मेरे द्वारा दिए गए अन्न को ग्रहण करें। फिर पंच महायज्ञ करें, अनंतर भूतवली करें, तत्पश्चात कौवे और कुत्ते को भोजन का हिस्सा या अन्न का भाग दें। इस प्रकार कहकर सब भूतों को अलग अलग फिर बलि दें। विधि पूर्वक आचमन करके प्रसन्न मन हो श्रद्धा से अतिथि सेवा के लिए उसके आगमन की प्रतीक्षा में द्वार की ओर देखते रहें। जो अतिथि भाग्य से गौ धोने के समय तक आ जाए तो उसका पहली वाणी से सत्कार करें। फिर बुद्धिमान पुरुष उसकी देव समान पूजा करके भक्ति पूर्वक यथाशक्ति अन्न और जल से संतुष्ट करे। फिर विधि पूर्वक भिक्षुक और ब्रह्मचारी के लिए बनाए हुए सब व्यंजनों में से निकालकर अन्न भिक्षा दे। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्धान्न के मालिक हैं। इनको अन्न न देकर भोजन करने वाले मनुष्य को चंद्रायण व्रत करना चाहिए। पहले यति के हाथों को धुलाकर फिर भिक्षा दें, साथ में जल दें। ऐसा करने से वह भिक्षा सुमेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के तुल्य महान होता है। जो मनुष्य सत्कार से भिक्षुक को भिक्षा देता है तो उसका फल गोदान के समान होता है, ऐसा भगवान यम कहते हैं। उसके बाद पूर्व की ओर मुख करके बैठकर मौन होकर शुद्ध सुंदर थाली में अन्न की प्रशंसा करते हुए भोजन करें। अपने आसन पर अपनी थाली में एक वस्त्र पहनकर भोजन न करें। अपने आसन पर बैठकर शांति से प्रसन्न हो। जो मनुष्य अकेला कांसे की थाली में भोजन करता है तो उसके आयु, बुद्धि, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। उसके बाद जल से हाथ धोकर घृत सहित सब व्यंजन आदि का भोजन करें। भोजन में से पहले थोड़ा सा अन्न लेकर भूपतये नमः कहकर फिर भुवनपतये नमः कहकर धर्मराज को हिस्सा दें। फिर भूतानाम पतये नमः कहकर चित्रगुप्त को भोजन का हिस्सा दें और उसके बाद भूतों के प्रति ऐसा कहें कि जहां कहीं भी भूख प्यास से व्याकुल भूत स्थित है, उसकी तृप्ति के लिए यह अन्न सुखपूर्वक अक्षय हो। फिर ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा का उच्चारण करके घृत के साथ 5 ग्रास बिना दांत लगाए निगल जावे और फिर प्रेम से पहले मीठे पदार्थ खावे, नमकीन व खट्टा पदार्थ भोजन के मध्य में और फिर कड़वे व तीखा पदार्थ खावे। मनुष्य को चाहिए कि पहले तरल पदार्थ का भोजन करे, बीच में कड़े पदार्थ खावे और अंत में फिर तरल पदार्थ खावे। ऐसा करने से बल और आरोग्यता प्राप्त होती है। मुनि को 8 ग्रास, बानप्रस्थ को 16 ग्रास, गृहस्थी को 32 ग्रास और ब्रह्मचारी को इच्छानुसार भोजन करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को शास्त्र के विरुद्ध भोज्य आदि पदार्थ नहीं खाने चाहिए। सूखा और बासी आहार अभोज्य कहा गया है। घी और दूध के शेष भाग को छोड़कर सब पदार्थ का भोजन करके बचे हुए घी, दूधों को उंगलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि में जल भरकर उनमें से आधा जल पी लें और अंगुली के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी पर गिराकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल पंडित जन उसी जगह निम्न मंत्र पढ़कर सिंचन करें। ऐसा न करने से
ब्राह्मण पाप का भागी होता है। रोर्वे पुण्य निल्ये पद्मवुर्द निवसी नाम अर्थिन मुदकम तत्मक्षय यमुपतिष्ठतु। अर्थात रौरव नरक में पीव के गड्ढे में पद्मवुद अर्थात अनेक वर्षों तक रहने वाले प्राणियों को जिन्हें इसकी आकांक्षा हो उनके लिए यह मेरा दिया हुआ जल अक्षय होकर मिलता रहे। यह कहकर जल से सिंचन करके दांतों को शुद्ध करके फिर आचमन करके गीले हाथों से पात्र को सरका दें और उसके बाद वहां से उठकर बाहर जाकर मिट्टी शुद्ध जल से अच्छी तरह मुंह व हाथ धोवें, 16 कुल लेकर शुद्ध हो और सुख से आसन पर बैठकर मंत्र पढ़ते हुए पेट पर हाथ फेरे। अगस्त कुंभकर्ण शनि बड़वानल और पांचवें भीम का आहार के पचने के लिए स्मरण करें, जिसने आतापी और वातापी को मारा, जिसने आतापी और वातापी को मारा समुद्र को सोख लिया, ऐसे अगस्त मुनि मेरे ऊपर प्रसन्न हो। फिर हर्ष से श्री कृष्ण का स्मरण कर आचमन करके पान्य होने पर सौंफ या शीघ्र पाचन में सहायक कोई भी पदार्थ खावें। फिर श्रेष्ठ मार्ग का अनुकरण कर उत्तम शास्त्रों की चर्चा का आनंद लेते हुए पर ब्रह्म श्री कृष्ण का चिंतन करें। सर्वथा आजीविका रहित व्यक्ति भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी आध्यात्म विद्या श्रवण करे। सुनने मात्र से धर्म का ज्ञान और पापों का नाश होता है, मोह दूर होता है और ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होता है। नीच भी श्रेष्ठता को प्राप्त करता है और न सुनने से श्रेष्ठ जन भी नीच हो जाते हैं। और फिर घर से बाहर जाकर व्यवहार अर्थात नौकरी व्यापार या अध्ययन जो भी आपका काम हो उसे करें और संपूर्ण अर्थों की सिद्धि देने वाले श्री कृष्ण का मन में ध्यान करते रहें। सूर्य अस्ताचल के समय पर तीर्थ अथवा घर पर ही जाकर पांव धोकर पवित्री धारण कर संध्याकालीन की संध्या वंदन करें। जो अधम ब्राह्मण सायंकालीन की संध्या न करें वह गौवध के पाप का भागी होता है और मरने पर रौरव नरक में जाता है। कभी समय न होने पर या संकट में पड़ जाने पर या यात्रा में होने से ब्राह्मण को चाहिए कि वह आधी रात्रि के पहले तक सायंकाल की संध्या कर ले। जो ब्राह्मण श्रद्धा से तीनों काल की संध्या उपासना करता है उसका तेज घृत पाकर अग्नि की लौ की भांति बढ़ता रहता है। साय सूर्य के आधा अस्त होने पर प्राणायाम करे तथा आपोहिष्टा मंत्र से मार्जन करे। सायकाल अग्निश्चमा मंत्र से और प्रातः काल में सूर्यश्चमा इस मंत्र से आचमन करे। पश्चिम की ओर मुख करके मौन धारण कर सावधानी से बैठे और फिर ओंकार और व्याहिति सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारे उगने तक अच्छी तरह जाप करे। सायकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा न होने पर भी वैश्वदेव और बलि कर्म सदा करता रहे, नहीं तो पाप का भागी होता है। फिर भोजन करने के बाद गृहस्थी पुरुष सायकाल हाथ पैर धोकर तकिया आदि सहित कोमल शैया पर जाकर अपने घर में पूर्व की ओर सिर करके सोवे, ससुराल में दक्षिण की ओर सिर करके सोवे, परदेश में पश्चिम की ओर सिर करके सोवे, किंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी भी न सोवे। सोने वाला पुरुष रात्रि सूक्त का जप करके सुखदाई देवताओं का स्मरण कर अविनाशी विष्णु को नमस्कार करके प्रसन्न चित्त होकर सोवे। रात्रि में अगस्त माधव महाबली मुचुकुंद कपिल और आस्तिक मुनि यह पांचों सुख से सोने वाले हैं, अतः इनका स्मरण करके सोवे। मांगलिक जल से भरा हुआ कलश सिरहाने रखकर वेद मंत्र और गरुड़ मंत्रों से रक्षा करके सोवे। पूर्व के दिनों को छोड़कर ऋतुकाल में स्त्री संगम करे, सदा अपनी ही स्त्री से प्रेम करे। प्रदोष और प्रदोष काल के पिछले पहर में वेदों के अभ्यास से समय व्यतीत करे। दोपहर सोने वाला मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होने योग्य होता है। यह सब प्रतिदिन के कर्म का वर्णन है।
गृहस्थी पुरुष भली प्रकार जानते हैं कि यह गृहस्थ आश्रम के लक्षण हैं। सत्य बोलना, हिंसा छोड़कर सब प्राणियों पर दया रखना, शांति बनाए रखना, शक्ति अनुसार दान करना, ये सब गृहस्थी के धर्म बताए गए हैं। पराई स्त्री से भोग विलास न करना, अपनी स्त्री की रक्षा करना, बिना दिए कोई वस्तु बलात् न लेना, मद न पीना और मांस न खाना, यह पांच प्रकार के धर्म बहुत सीख वाले और सुख देने वाले हैं। अतः शारीरिक धर्म उत्तम प्राणियों को अवश्य करना चाहिए। श्री नारायण बोले, हे मुने, संपूर्ण वैदिक कर्म गृहस्थाश्रम के लक्षण हैं, जो लोक हित के लिए मैंने तुमको संक्षेप में बताए हैं। इन धर्मों को जो स्त्री पुरुष पालन करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 29वां अध्याय समाप्त।